इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन. वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड ऑन अर्थ. इट कवर्स ऑलमोस्ट 75% ऑफ अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सीज, ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव. पीपल हैव मैनी यूजेस फॉर वाटर बिसाइड ड्रिंकिंग. नाउ स्टार्ट द चैप्टर विद द वार्म अप एक्टिविटी. These are few ways in which you use water at home. Write the activities and the amount of water you use for each of them. क्या है first use? Drinking. First use क्या है? Drinking. How many glass? 2 glass. Second use क्या है? Brushing. और how many mug? 1. Use क्या है? कहाँ इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर? Bathing. How many? Bucket. 1 bucket. Write 3 other ways in which you use water. Cooking, swimming, washing. You also write some other uses. Now start reading. First line is, what happens when you keep a bucket under a running tap? Very soon water gets collected in the bucket. In the same way, when it's rained, water gets collected in low area on the ground. क्या होता है जब आप रनिंग टैप के नीचे एक बकेट रखते हैं तो बहुत जल्दी वो फिल हो जाती है. इसी तरह जब बारिश होती है, जितने भी लो एरियाज हैं, जो नीचे के एरियाज हैं, वहाँ पर क्या होता है? पानी जमा हो जाता है. सेकेंड लाइन, एट होम मोस्ट ऑफ अस गेट वाटर थ्रू पाइप्स, बट वेयर डज दिस वाटर कम फ्रॉम? वी गेट दिस वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स. देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर. जो आपके घरों में पानी पाइप के थ्रू आता है, क्या आपने कभी सोचा है वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी हमें मिलता है कहाँ से? रिवर्स एंड लेक से. बहुत सारे पानी के बहुत सारे ज़राए हैं. फर्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर. अब हम वो सोर्सेज पढ़ेंगे जिन सोर्सेज के थ्रू हमें पानी मिलता है. फर्स्ट थर्ड लाइन इज, रेन इज आवर मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन क्या है? हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन सोर्स ऑफ वाटर है. हैव यू सीन अ पडल ड्यूरिंग द रेनी सीजन? क्या आपने कभी जब बारिश होती है तो जमा हुआ पानी देखा है, जहाँ पर बहुत सारा पानी जमा हुआ हो? कलर दिस पिक्चर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पडल्स. नेक्स्ट फिफ्थ लाइन है, रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड सीज. We use these sources of water for our various needs. क्या है? जो पानी पडल में जमा होता है बारिश का, वही पानी कहाँ जमा होता है और कहाँ कहाँ जमा होता है? पॉन्ड्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर एंड सीज में. और इन जो पानी जमा होता है वो हम बहुत सारे जगहों पे इस्तेमाल करते हैं. हमारी बहुत सारी जो नीड्स है उनको फिल करता है, फुलफिल करता है. A pond is a small body of water surrounding by land on all sides. Ponds क्या है? अपने picture में देखें, ponds क्या है? एक छोटा सा वो है, body है water की, छोटी सी body है जिसके आसपास क्या होता है? बहुत सारी ज़मीन होती है. Seventh line, a lake is a large body of water entirely surrounding by land. लेक क्या है? पॉन्ड्स के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है उसमें पानी, और वो पूरी तरह किससे घिरी हुई होती है? लैंड से. एट लाइन, अ स्ट्रीम इज अ थिन चैनल ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन अ माउंटेन. द स्ट्रीम बिकम बिगर एंड बिगर एज इट फ्लोज डाउन द माउंटेन टू फॉर्म अ रिवर. रिवर्स फ्लो इन टू द सी. अ सी इज अ ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर. सी वाटर इज सॉल्टी. क्या होता है जब स्ट्रीम जो है वो चैनल के थ्रू बहती जाती है माउंटेन से, और वो बहते बहते क्या होता है? रिवर की शक्ल इख्तियार कर लेती है. और जो वो रिवर है वो क्या करता है? फ्लो करता है सी में. सी जो है वो सबसे ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर है. नेक्स्ट लाइन, नाइन्थ लाइन, देयर अंडरग्राउंड वाटर. देयर इज ऑल्सो वाटर अंडर द ग्राउंड. वी डिग वेल टू गेट अंडर गेट ग्राउंड वाटर. क्या होता है? जो वो पानी है अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो हमें कैसे मिलता है? जब हम खोदते हैं वेल को तो हम वो पानी हासिल कर सकते हैं. नेक्स्ट ड्रिंकिंग वाटर. टेंथ लाइन, वी यूज वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स फॉर ड्रिंकिंग. वी डू नॉट ड्रिंक सी वाटर बिकॉज इट इज सॉल्टी. क्या है पानी? कौन सा पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है? लेक्स का और रिवर्स का और वेल का.
लेकिन जो सी वाटर है वो हम पी नहीं सकते, वो पीने के काबिल नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो सॉल्टी होता है, नमकीन होता है. नेक्स्ट लाइन, 11th लाइन, द वाटर इज इन द लेक एंड रिवर इज नॉट वेरी क्लीन, इट कंटेन डर्ट एंड जर्म्स. और जो पानी हम पीते हैं लेक्स और रिवर से मिलता है और वेल से मिलता है, लेकिन वो पानी क्या होता है, पीने के काबिल नहीं होता. क्या होता है उसमें, वो गंदगी में, वो किस पे मुश्तमिल होता है, गंदगी पे और जरासीम पे. नेक्स्ट लाइन 12, ड्रिंकिंग वाटर विद डर्ट एंड जर्म्स कैन मेक अस इल, दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द वाटर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग. जो पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, जो लेक और रिवर से मिलता है, वो हम डायरेक्टली नहीं पी सकते, मतलब जाके लिया और हमने पी लिया. वो क्या करते हैं, अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, उसमें डर्ट है, जर्म्स है, तो वो हमें क्या कर देगा, इल कर देगा, बीमार कर देगा. तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कि वो डर्ट से और जर्म से पाक हो, उसमें ये चीज़ ना हो. सो 13 लाइन, सो ड्रिंकिंग वाटर इज फर्स्ट प्योरिफाइड इन वाटर वर्क्स, देन इट इज सप्लाइड टू आवर हाउसेस. वी कलेक्ट दिस वाटर फ्रॉम द टैप्स. क्या होता है, वो पानी कहाँ पर साफ होता है, वो प्योरिफाइड होता है वाटर वर्क्स में. देन इट सप्लाइड, क्या होता है, उसके बाद फिर हमारे घरों में आता है. वो किसके थ्रू आता है, टैप्स के थ्रू आता है. 14th लाइन, इन सम प्लेसेस पीपल डू नॉट गेट वाटर सप्लाइड टू देयर होम, दे हैव टू कलेक्ट इट डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर, लेक्स, पाउंड एंड वेल. क्या होता है, कुछ एरियाज में क्या, ये वाटर वर्क्स नहीं होते तो, और उनको घर में पानी नहीं मिलता, तो क्या होता है कि वो जाके डायरेक्टली वो पानी लेते हैं. कहाँ से, रिवर से, लेक, पाउंड और वेल से. 15th लाइन, दिस वाटर हैज़ टू बी बॉइल्ड टू किल द जर्म्स, इट ऑल्सो हैज़ अ फिल्टर टू रिमूव द डर्ट बिफोर ड्रिंकिंग. अगर वाटर वर्क्स से नहीं मिल रहा आपको पानी, आपको पाइप्स के थ्रू नहीं मिल रहा, आपको वो पानी क्या करना है, बॉयल करना है या फिल्टर करना है. 16th लाइन, थ्रू टैप वाटर इज प्योरिफाइड बिफोर इट रीच आवर होम्स, देयर आर चांसेस ऑफ द वाटर गेटिंग डर्टी एंड इम्प्योर, सो दिस वाटर शुड ऑल्सो बी पास थ्रू अ वाटर फिल्टर एट होम. जो पानी हमें मिल रहा है वो साफ नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, वाटर फिल्टर लगाने चाहिए, और उसके थ्रू क्या होता है, पानी जो है वो साफ हो जाता है और प्योर हो जाता है. नेक्स्ट, सेविंग वाटर. 17th लाइन, देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड बट मोस्ट ऑफ इट इज सी वाटर एंड वी कैन नॉट यूज इट. वी कैन ऑल्सो द फ्रेश वाटर इन पाउंड्स, लेक्स, रिवर एंड वेल. We get most of this fresh water through rain. Rain is our main source of fresh water. इस दुनिया में बहुत सारा पानी है, लेकिन ज़्यादातर पानी क्या है, सी वाटर का है. और सी वाटर क्या है, हम यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज सी वाटर सॉल्टी होता है. तो हमें फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है, पाउंड से, लेक से, रिवर्स एंड वेल. और क्या है, सबसे ज़्यादा साफ पानी हमें क्या कहाँ से मिलता है, थ्रू रेन. और रेन जो है वो सबसे मेन सोर्स है हमें फ्रेश वाटर मिलने का. इन मैनी प्लेसेस, 18th लाइन, इन मैनी प्लेसेस देयर इज वेरी लिटिल रेन, रिवर्स एंड लेक्स डू नॉट गेट फिल अप फुली. पीपल इन दीज प्लेसेस फेस अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ वाटर. कुछ एरियाज में बारिश नहीं होती, रिवर्स और लेक्स जो हैं वो फिल नहीं होते, तो क्या होता है, उनको बहुत सारा किल्लत होती है, शॉर्टेज ऑफ वाटर मीन्स किल्लत होती है पानी की. 19th लाइन, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, आर क्रॉप्स एंड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट वाटर. वाटर इज प्रीशियस, वी मस्ट नॉट वेस्ट इवन अ ड्रॉप ऑफ इट. क्या है, जब पानी हमारे पास नहीं होगा, हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारे क्रॉप्स, हमारे प्लांट्स ग्रो अप नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हम उन्हें पानी नहीं देंगे वो ग्रो अप नहीं होंगे. वाटर इज प्रीशियस, वाटर क्या है, बहुत कीमती चीज़ है. वी मस्ट नॉट वेस्ट इवन अ ड्रॉप ऑफ इट, क्या हमें एक कतरा पानी भी जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए. रिमेंबर द फॉलोइंग वाटर सेविंग टिप्स. ये जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, नीचे 3 टिप्स हैं, उनको आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है, याद रखना है. डू नॉट लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग टीथ. जब आप ब्रश कर रहे हो तो अननेसेसरी आपका टैब ओपन ना हो.
टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूजिंग टैप. आपने क्या करना है, जब आपने पानी इस्तेमाल कर लिया है तो फौरन आपने टैप को ऑफ करना है. एवॉइड बाथिंग इन शावर, यूज बकेट्स एंड मग्स. क्या है, आपने डायरेक्ट शावर से नहीं नहाना, क्या इस्तेमाल करना है, बकेट और मग्स. नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ वाटर. यू नो डैट व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इन अ केटल इट कम्स आउट फ्रॉम द स्पाउट एज स्टीम और वाटर वेपर. दिस प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इन टू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. क्या होता है, जब आप पानी बॉयल करने के लिए रखते हैं और कुछ देर के लिए उसको आप ऐसे ही रखते हैं, मतलब आपने देखा होगा जाके थोड़ी देर बाद आप जाके देखते हैं पानी जो है वो जितना आपने रखा होता है उससे थोड़ा सा कम हो जाता है, तो क्या होता है, वो स्टीम बन के उड़ जाता है पानी. क्यों, क्योंकि वो बॉयल हो रहा है. तो इस और बुखारात बन के, इवेपोरेशन मीन्स बुखारात बन के वो हवा में शामिल हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन. When a cold plate is held near the spout, the steam cools down and changes into small drops of water. This process of water changes water vapor changing to drop water drops is called condensation. क्या है, जब आप उसी kettle को जब आप नीचे लेकर आएंगे, ठंडे पानी में रखेंगे, जो evaporation होके कुछ निकल गया है और कुछ kettle में पानी है उसके cover के अंदर, तो जब आप उसे ठंडे पानी में रखेंगे तो क्या होगा, वो जो water spouts है या steams है, steam जो है वो क्या हो जाएगा, small drops of water की शक्ल इख्तियार कर लेगा, छोटे छोटे drops बन जाएंगे उसके kettle के cover के ऊपर. तो क्या ये process जो है water drop, water का जो change होता है evaporation से drops का, उसे क्या कहते हैं, condensation. 23rd line, so you can see that water has three forms, water, water vapor and ice. आपने देखा ऊपर वो स्टीम बना, नीचे वो क्या हुआ, कूल डाउन हो गया. तो कितने फॉर्म्स ऑफ वाटर है, थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर लिक्विड, वाटर वेपर्स स्टीम और आइस सॉलिड. नेक्स्ट, द वाटर साइकिल. चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ वाटर कैन बी सीन इन नेचर. जो ये चेंजिंग हमने ऊपर पढ़ी है ये हम नेचर में भी देखते हैं. कैसे, आइए देखते हैं. फर्स्ट लाइन, द सन हीट्स द वाटर इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज एंड चेंज इन इट इन टू वाटर वेपर्स. क्या होता है, जब सन की हीट पड़ती है वाटर में, कहाँ कहाँ, पॉन्ड्स में, लेक्स, रिवर्स, सीज, तो वो वाटर जो है वो किसकी शक्ल अख्तियार कर लेता है, वाटर वेपर्स की, मतलब स्टीम बन जाता है पानी. द वाटर वेपर्स राइजेज अप इन द एयर, इट मेल्ट कूल एयर अप इन द स्काई, सो इट कूल डाउन एंड टर्न इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. तो क्या होता है, जब ये एवेपोरेशन वाटर वेपर्स होता है, इस वाटर वेपर राइजेज होता है, हवा में जाता है, तो वो क्या होता है, जैसे जैसे स्काई की तरफ जाता है तो वो ठंडा हो जाता है. तो जो स्टीम होती है वो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेती है, कूल हो जाता है, तो वो टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, मतलब छोटे छोटे ड्रॉप्स ऑफ वाटर की शक्ल इख्तियार कर लेता है. मैनी सच वाटर ड्रॉपलेट ज्वाइन टूगेदर अ फॉर्म ऑफ क्लाउड. ये छोटे छोटे ड्रॉप्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, क्लाउड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. द क्लाउड, थर्ड है, द क्लाउड कूल्स फर्दर, द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप ऑफ वाटर, दीज ड्रॉप्स बिकम वेरी हैवी. आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस चलता रहता है, ये जब ड्रॉपलेट्स, जो ड्रॉप ऑफ वाटर हैं, ये मिक्स होते जाते हैं मिक्स होकर क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं कि ऊपर बहुत हैवी हो जाते हैं क्लाउड के लिए. द क्लाउड कैन नॉट होल्ड देम एनी लॉन्गर. क्या होता है, जब वो क्लाउड पे कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, वो ओवरफ्लो होने लग जाता है. तो ये ओवरफ्लो क्या होता है, ओवरफ्लो जब वहाँ से फॉल डाउन हो जाता है, नीचे गिरने लगता है वो ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो वो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, सो दे फॉल डाउन एज रेन. वो किसकी तरह नीचे गिरते हैं, रेन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. छोटे छोटे ड्रॉप्स ऑफ वाटर जब ज़्यादा हो जाते हैं, क्लाउड में हैवी हो जाते हैं, क्लाउड से वो संभाले नहीं जा रहे होते, तो वो नीचे गिर जाते हैं. जब नीचे गिर जाते हैं, हमारे पास आ रहे होते हैं, तो वो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, रेन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. फर्स्ट एक्टिविटी पेज है फिलिंग द ब्लैंक्स, पेज नंबर 83. नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. एक्सरसाइज, क्रॉस आउट द ऑड वन. इसमें जो ऑड वन है उसको आपने कट करना है. सेव वाटर, सेव लाइफ.
थैंक यू।